हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ HP का एक न्यू लैपटॉप, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीचर लोडेड है, इसमें हर चीज़ बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि HP का, ये आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए HP का एकदम मिरर फिनिश में ये लोगो है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। और ये जैसा कि आप देख सकते हो कि सिल्वर कलर में है। तो चलिए आपको इसका एक बार मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों HDMI की पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों एक हाई स्पीड USB पोर्ट दे रखा है, यहाँ पे टाइप सी है एंड SD कार्ड के लिए भी है। ये बहुत, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छा है दोस्तों। डायरेक्ट अगर हमें कुछ भी अपना मेमोरी कार्ड वगैरह में या कुछ भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज मटेरियल के तौर पे चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द पावर पोर्ट, जहाँ पे हम अपने डायरेक्ट पावर कनेक्टर करके हम इसको पावर कर सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं। नाउ कम टू द अदर साइड, यहाँ पे दोस्तों एक और USB पोर्ट है, और ये दोस्तों हाई स्पीड है। एंड हेयर इज़ अ 3.5 mm जैक, अगर सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने हो, हमें वायर्ड वाला हेडफोन वगैरह लगाना हो, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंपलिस्टिक सा व्यू है बिल्कुल, कहीं पे कोई ज़्यादा कुछ ऐसे नट बोल्ट्स वगैरह कुछ नहीं दिखते इसमें। यहाँ पे विंडो की ब्रांडिंग है, देख सकते हैं आप, विंडो का एक स्टिकर लगा हुआ है। ये वेंट्स हैं इसके वेंटिलेशन के लिए, जो भी अंदर हीट होगी उसको बाहर निकालने के लिए। और साथ में दोस्तों, अगर हम आपको, आप देख सकते हो तो, कि यहाँ पर भी यहाँ पे वेंट हैं इसके, जो ये हल्की सी जगह दे रखी है, गैप है, यहाँ से भी एयर बाहर निकलती है जो भी हीट होती है इसकी। अगेन यहाँ पे ये यू शेप में है, आपको ऐसे में दिखा देता हूँ ये चीज़, ये यू शेप में है दोस्तों, ये देख लीजिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एंड पवेलियन की यहाँ पे ब्रांडिंग, कंप्लीट मैट लुक है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, ये मेटल का नहीं है, बट ये मैट फिनिश में है, लगता ऐसा है कि जैसे मेटल ही हो, बट ये है एक्चुअली में प्लास्टिक। तो चलिए अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं, यहाँ पे एक अलग सा एलिमेंट दे रखा है, ये देखिए। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, तो दोस्तों जो इसकी फर्स्ट लुक है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इसके बटन्स हैं, काफ़ी ऐसे लग रहे हैं कि हर एक बटन मतलब मेटल का है, बहुत ही क्लियर है, कुछ ऐसे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ खाली, कहीं से भी कुछ खाली स्पेस हो। अगेन यहाँ पर पवेलियन की ब्रांडिंग, और ये HP का स्टिकर है हेल्पलाइन वाला। एंड दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें मिलेगा, होम एंड स्टूडेंट वर्जन, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इंटेल का जो दोस्तों पावर प्रोवाइड कर रहा है इसमें, इंटेल कोर i5 दोस्तों, बहुत i5 से ऊपर के जितने भी दोस्तों प्रोसेसर हैं बहुत ही पावरफुल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटेल i5 कोर i5 का इसमें प्रोसेसर है, और जेनरेशन 11th जेनरेशन इसमें यूज़ करी गई है, तो विच इज़ वेरी रियली रियली गुड थिंग। और दोस्तों इसमें ग्राफिक कार्ड है, इंटेल आयरिस XE का ग्राफिक कार्ड है, जिसमें अगर आपको गेम वगैरह खेलने हैं, गेमिंग वगैरह करनी है, नॉट वेरी हाई ग्राफिक गेम्स, बट नॉर्मल GTA वगैरह तक चल जाएगा इसमें, GTA 5 तक आप चला सकते हो। एंड इसमें साउंड भी B&O का साउंड है दोस्तों, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। एंड हेयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर, फिंगरप्रिंट अनलॉक, जो कि डायरेक्ट आप अपने PC को, अपने लैपटॉप को डायरेक्टली इसको आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। और ये यहाँ पे दोस्तों आपको अलग से कोई ऐसे न्यूमेरिक बटन्स नहीं मिलेंगे, जैसे अलग से होता है। ये 14 इंच का इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पे HP की ब्रांडिंग है, एंटी ग्लेज डिस्प्ले है, यहाँ पे कैमरा है दोस्तों इसका। एंड ये यहाँ पे लाइट है, जो जब भी हम कैमरा ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। एंड ये कुछ माइक्स हैं दोस्तों इसके,
ये जो हिंज है दोस्तों बहुत अच्छी है, सेंटर में है, जैसे हमने देखा है कि एचपी के साइड में होती है। तो मेरे पास जो पहले एचपी का पुराना लैपटॉप था उसकी हिंजे ख़राब हो गई थी, तो ये ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है, ये पूरा इसको यहाँ से कवर कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और काफ़ी अच्छा भी है दोस्तों ये। और अब इसके टच पैड की बात कर लेते हैं, काफ़ी सही साइज़ है और एक सिल्वर फिनिश है, आप देख सकते हैं साइड में पूरा, और बीच में एक मैट का ये पूरा इसमें फिनिश है। बटन्स क्लिक बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये पावर बूट होगा, ये पावर बटन है इसका, और यहाँ पे बैकलिट भी है जो कि बहुत अच्छी है। ये इसका भी आपको दिखाएंगे नाइट में कैसा परफॉर्मेंस है इसका, साउंड का भी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल देख लेते हैं इसको बूट करके जल्दी से कि कितना टाइम ये बूट करने में लेता है। और ये हो गया स्टार्ट दोस्तों, विद इन सेकेंड्स ये बूट हो गया है। ये देख लीजिए, जैसे एप्पल के लैपटॉप्स में होता है वैसे ही, जस्ट जैसे ही पासवर्ड लगाया तुरंत खुल गया, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिंपलिस्टिक सा व्यू है दोस्तों इसका, देख सकते हैं। इसका वेट की बात करें दोस्तों तो 1.41 kg इसका वेट है, और इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए 11th जनरेशन है दोस्तों, ये कोर i5 आपको बताया था। बेस क्लॉक स्पीड इसकी 2.40 GHz, और मैक्सिमम टर्बो बूस्ट है दोस्तों 4.2 GHz की, जो कि बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है इसकी। इंस्टॉल्ड रैम 16 GB रैम है इसमें, जिसमें से 15.8 GB यूजेबल है, आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। एंड 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज का इसमें दोस्तों एडिशन यूज़ किया गया है। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, 16 GB रैम है, तो हर एक टास्क को बहुत अच्छे से बखूबी निभाए गए। और दोस्तों जो इसमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 512 SSD की इसमें स्टोरेज है। आपको अगर अपग्रेड करवानी है तो आप इसको अपग्रेड भी करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लैपटॉप, प्रॉपर प्रोफेशनल लग रहा है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके चार्जर की, आपको चार्जर दिखा देता हूँ मैं। ये इसका एचपी का ओरिजिनल चार्जर है, विच इज़ 65 वॉट का ये चार्जर है, ठीक ठाक चार्ज कर देता है इसे। बैटरी बैकअप अच्छा है दोस्तों इसका, नॉर्मल यूसेज में 6 घंटे 6 या 7 घंटे निकाल देता है, अगर नॉर्मल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है या कुछ भी डॉक्यूमेंट वाला काम कर रहे हैं। गेमिंग वगैरह का दोस्तों अभी टेस्ट करा नहीं है, टेस्ट करके आपको मैं उसमें गेमिंग का भी एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना बैटरी बैकअप है गेमिंग में भी इसका। और जो ये चार्जर की इसकी लेंथ है दोस्तों काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने फोल्ड कर रखा है। अगर आपको ये देख लीजिए, इसमें दोस्तों जैसे कमेंट में काफ़ी पूछते हैं कि इसमें, जैसे मैंने अपने एसर के लैपटॉप के वीडियो बनाई थी कि इसमें ऑफिस है या नहीं है, मेरे वाले लैपटॉप में ऑफिस नहीं था, बट इसमें इंस्टॉल्ड है ऑफिस इसमें, बट एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको एक बार जब आप इसको परचेज़ करेंगे। लास्ट में इसके प्राइस की बात भी करेंगे। तो दोस्तों कुछ इसके अब फीचर्स को मैं बता देता हूँ पॉइंट्स में, कि इसमें आपको एलेक्सा बिल्ड इन मिलेगा, एंड फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेज डिस्प्ले है दोस्तों इसकी मैट फिनिश में। और जो बैटरी है दोस्तों इसकी मैं बता चुका हूँ आपको, 6 घंटे चल जाती है इसकी अगर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इसको।
विंडो 10 इसमें इंस्टॉल्ड है, जेन्युइन है दोस्तों, और ये पूरा मैट में है। अगर आपके मैं बात करूँ, ये जो सिल्वर है पूरा मैट फिनिश है, ये ऐसे शाइनिंग में नहीं है। ये इसमें SSD है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मैं बता चुका हूँ आपको, और वेट दोस्तों इसका 1.4 kg जो कि लाइट वेट है। ब्लूटूथ इसमें 5 है दोस्तों, 5 वर्जन का, एंड जो वाईफाई का वर्जन है इसमें वाईफाई 6 है इसमें, जो कि बहुत अच्छा कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सब कुछ इसमें लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छा है, हाई स्पेक्स हैं दोस्तों इसके। अगर आपको एक आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस वर्क प्लेस पे हो, आपका कुछ ये डॉक्यूमेंट्स वाला काम है, तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल गेमिंग भी हो जाएगी इसकी। और अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। तो ये मेरे फ्रेंड ने 63,000 का लिया था, बट अमेज़न पे इसका प्राइस 71,000 कुछ है। अब वो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका, आप नीचे से चेक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल दोस्तों मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार इसकी थिकनेस वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ज़्यादा थिक नहीं है, अच्छा है। और ये थोड़ा सा ये राउंड शेप में है, ये ऐसे अंदर से ऐसे बाहर यू शेप में है ये, और नीचे से सिंपल है। ये इसके स्पीकर्स हैं दोस्तों यहाँ पे B&O के, इसकी भी आवाज़ हम सुनेंगे। ये दोनों साइड में, दूसरी साइड में भी यहाँ पे स्पीकर है इसके। साइड में एक ये पोर्ट है, पावर USB पोर्ट, यहाँ पे जैक लगा सकते हैं आप। एक बार आपको यहाँ से बैक से भी खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो मैं वेंट्स की बात कर रहा था, ये वेंट्स हैं इसके जो कि हीट को बाहर निकालेंगे अंदर से। तो अब इसको शट डाउन करके देखते हैं कितना टाइम लेता है। विद इन अ सेकेंड दोस्तों ये शट डाउन भी हो गया। और अब इसके बात कर लेते हैं हिंज की, ये देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड है। ये देखिए, अगर मैं इसको एक ही हाथ से ऐसे खोलने की कोशिश करूं तो ये ऐसे उठ जाता है। इसको यहाँ से ऐसे नीचे करना पड़ेगा। तो एक आपको दिखा देता हूँ कितना ओपन हो सकता है, ये ऐसे में देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। फोर्टीन इंच इसकी डिस्प्ले साइज है, बटन्स है। और दोस्तों अब इसकी ब्राइटनेस एंड बैकलिट की जो लाइट है उसका देख लेते हैं कितना ब्राइट है वो। देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक अंधेरा कर रखा है, और ये देखिए ये मोड्स हैं दोस्तों। जैसे बंद हो गया है, ये हाई लेवल पे है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये हल्का सा कम हो जाती है लाइट, और ये बिल्कुल बंद। सो ये हाईएस्ट है। और अब इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं, ये सबसे लो लेवल है दोस्तों, और ये हाईएस्ट है इसका लेवल। ये देख लीजिए, ये लो है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है अंधेरे में भी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नाइट में। अगर आप हल्का भी अगर डिम लाइट है तो आप इसको बहुत अच्छे से विजिबल है हर एक चीज़। देख लीजिए, ये थोड़ा सा कम हो गया है, और ये बिल्कुल बंद, ये हाईएस्ट। और अब डे लाइट में भी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी ब्राइटनेस कितनी विजिबल होती है या डिम होती है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको डे लाइट में भी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका नॉर्मल डे लाइट की, कि इसकी ब्राइटनेस लेवल कैसा है नॉर्मल यूसेज में, कितना विजिबल है स्क्रीन। ये देखिए, ये मैक्सिमम लेवल पे कर रहा है लैपटॉप को, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये इसका बिल्कुल मिनिमम लेवल है। तो ब्राइटनेस लेवल की अगर बात करें तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, परफेक्ट है, नेचुरल कलर्स
आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल ही सनलाइट में है, डायरेक्ट सन के अपोजिट, बिल्कुल कहीं पे कोई छाया नहीं है। और ये बिल्कुल मिनिमम कर रखी है इसकी ब्राइटनेस, तो अब हाईएस्ट करके देखते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी हाईएस्ट, देख सकते हो आप कि ठीक ठाक काम चल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। जल्दी से आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि बी एंड ओ का इसमें साउंड सिस्टम है कंप्लीट। एंड अगर आपको डिटेल में जाके बी एंड ओ के बारे में जाना है तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि वो क्या है, बट बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी आ रहा है इस लैपटॉप से। और दोस्तों कुछ बेसिक और बहुत अच्छी जो और भी फीचर्स हैं इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें एक कैप्स लॉक का बटन है, तो इस पे आपको वाइट लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, ये म्यूट बटन है, जैसे सॉन्ग को म्यूट करना, तो इस पे भी रेड कलर की लाइट इंडिकेटर दिया हुआ है। एंड पावर पे भी, पावर बटन पे भी वाइट कलर का इंडिकेटर है। तो दोस्तों इस लैपटॉप को मैं बिल्कुल मैक्सिमम ब्राइटनेस पे कर रखा है, और नॉर्मल जैसे रूम लाइटनिंग होती है या नॉर्मल हमारे रूम में जो ऑफिस में जो लाइट होता है उस लाइटनिंग में इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको चला रखा है मैंने। आप देख सकते हो कोई भी इशू नहीं है लाइट का। सो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।